हाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू मैं ने मिस प्रतीक गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से मैं अपने चैनल के लिए टाइम नहीं निकाल पाया बट फाइनली द थिंग्स आर सॉरेड आउट एंड आई हैव टाइम टू डू थिंग्स एंड टू अपलोड द टॉपिक्स रिगार्डिंग द करेंट इम्पॉर्टेंस एंड द अदर ऑन माई यूट्यूब चैनल ठीक है तो so, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था करंट अफेयर्स का दैट वाज इन द मंथ ऑफ फेब उसके बाद से मान के चलिए हमारा ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल और हमारा जो फर्स्ट वीक ऑफ मे है उसके करंट अफेयर्स के नोट्स अभी नहीं आए हैं ट्वेंटी एट मे को आप लोगों का प्रिलिम्स का एग्जाम है आई नो द थिंग्स आर रियली हैक्टिक फॉर ऑल ऑफ यू बट पॉइंट ये है कि विद इन यू नो द नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू ब्रिंग माई वीडियो फॉर दी करंट अफेयर्स विच इज़ गोइंग टू कवर फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ फेब द एंटायर मार्च अप्रैल एंड मोर ओवर द फर्स्ट वीक ऑफ मे तो कोशिश रहेगी जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से वो उसके अंदर मैं कवर कर लूँगा बाकी देखिए मैं आपको बताऊँ कि वैसे पिछले दो महीनों में जितना मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया और जो मैं अपने डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उसमें कुछ बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का मुझे देखने को नहीं मिला है क्योंकि किसी भी साल में आप देखेंगे तो इनिशियल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है सबसे ज़्यादा अपडेट्स हमें उसी के अंदर मिलते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो बजट रिलेटेड था वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे के जो वीडियोज़ थे हमारे वो मैं पी डब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं तो उनकी हेल्प से आप अपना इकोनॉमिक सर्वे और अपना बजट वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं क्योंकि फॉर दी इन्फॉर्मेशन मैं क्या करूँगा जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो डॉक्यूमेंट हैं और जो उनके पी फाइल्स हैं प्लस यू नो वट द लिंक्स वी हैव फॉर दोज वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली तो उसमें से आप देखें उनको कंप्लीट कर सकते हैं सेकेंडली देखिए आज टुडे इज इट्स फिफ्थ आई थिंक फिफ्थ और मी सी देखिए डेट का भी इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि एग्जाम्स आने की वजह से और उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आज पाँच मई है और पाँच मई मान के चलिए एग्जैक्टली exactly आपके एग्जाम के लिए बाईस दिन बचे हैं ट्वेंटी टू डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन तो इस टाइम देखिए कुछ भी ऐसी स्ट्रेटजी तो होती नहीं है कि कोई रामबाण तो है नहीं कि आपने एक बार उसको अपना लिया और आपने उसको बेसिकली क्लियर कर लिया एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं है द ओनली पॉइंट इज कि नेक्स्ट 22 डेज़ में आपको सिर्फ क्या करना है द वट थिंग्स यू रेड टिल नाउ ओके इनफैक्ट दैट इज़ अ स्ट्रेटेजी दैट यू नीड टू फॉलो फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रेल ओनली आई वॉज सपोज टू अपोड द वीडियो बट समाउ आई वॉज नॉट एबल टू दैट कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी आप अभी तक पढ़ चुके हैं उसको आपको ठीक से रिवाइज करना है जिससे कि आपको उस पर अच्छे से कमांड हो जाए कोई भी नई बुक नहीं उठानी है कोई भी नया मटीरियल आपको नहीं उठाना है ओके okay? जो आप कर चुके हैं उसी को अच्छे से रिवाइज करके उस पर अपनी स्ट्रेंथ बना के आपको एग्जाम में जाके अपेयर होना है दर इज़ नो नीड टू बी पैनिक अबाउट द एग्जामिशन क्योंकि स्टूडेंट्स का देखिए मतलब जो नॉमली मैं देखता हूँ कि अगर पेपर बहुत सिंपल आता है दैन दीपल पीपल विल स्टार्ट फीलिंग यू नो लॉ इट्स वेरी हैप्पी कि अरे बहुत सिंपल आया मैं तो कर लूँगा मैं तो कर लूंगा तो उस केस में क्या होता है कि उसमें कुछ वो सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं देखिए सिंपल सा लॉजिक है अगर पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी और अगर पेपर आपका टफ़ आएगा तो उस केस में कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी तो ये सोचना कि पेपर बहुत टफ है मेरा क्लियर नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब आप पेपर देखते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ठीक है आपको सिंपली क्या करना है यू नीट टू बी काम यू नीट टू बी कम्पोज एंड यू जस्ट नीड टू डू योर पेपर नथिंग एल्स सिर्फ आपको अपने पेपर पर पे ध्यान देना है ठीक है दूसरी बात यह है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एग्जाम करते हैं देखिए नॉर्मली जो लोग जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम अपेयर एक होने वाले हैं और वो एक सीरियस कैंडिडेट है तो उनको पता होता है कि वी आर नॉट सपोज टू टेक अ चांस इन द प्रियम्स एग्जामिनेशन बिकॉज वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ और वी हैव अ समथिंग कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग ओवर गो ये एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो वन थर्ड आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई तो सिंपल सा पॉइंट है कि आपको चांस नहीं लेना है इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट ठीक है क्योंकि अगर आपने मान के चलिए जिन क्वेश्चंस पर आप हंड्रेड परसेंट श्योर हैं अगर वो आपने फिफ्टी फिफ्टी फाइव कर लिए देन यू आर ऑन अ यू नो पॉजिटिव साइड टू क्लियर द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन बट समाओ मान लीजिए अगर आप जिन क्वेश्चन में हंड्रेड परसेंट श्योर है वो आपके फोर्टी फोर्टी फाइव तक ही रह गए तो उस केस में यू नी टू टेक गो फॉर दोज क्वेश्चन वेयर यू आर फिफ्टी फिफ्टी परसेंट श्योर इन दोनों में से एक ऑप्शन ठीक होने वाला है तो यू हैव टू टेक अ सेकंड राउंड और मान के चलिए सेकेंड राउंड करने के बाद भी अगर आपके फिफ्टी फाइव सिक्सटी क्वेश्चन ठीक नहीं होते आई वुड से अगर आप सेकेंड राउंड कंप्लीट करें तो सिक्सटी सिक्सटी फाइव क्वेश्चन तो आपके हो जाने चाहिए पर अगर वो तब भी नहीं हुए हैं तो उस केस में तो भैया हमें पेपर में थोड़ा चांस लेना पड़ेगा सो वट एवर चांस यू पीपल आर गोइंग टू टेक यू नीड टू बी एंड ऑफ लिटिल स्मार्ट इन दैट और वो स्मार्टनेस क्या है सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि पेपर ऐसा आया और मेरे 45 फाइव यानी कि नाइनटी तक भी मैं टच नहीं कर पा रहा हूं पेपर में देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट टू क्लियर द एग्जाम तो उस केस में तो चांस लेना ही पड़ेगा और चांस लेने का तरीका क्या है यू नीड टू फाइंड द क्वेश्चन

You need to be kind of proper when it comes to taking a chance over there. I hope you are getting what I am trying to say. So, logic simple है point simple है इस तरह से करेंगे तो कुछ बेटर हो सकता है और अगर डिजाइन बना के आएंगे तो उस केस में देखा जाता है कई बार एक क्वेश्चन भी ठीक नहीं होता सारे के सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं उनके आंसर्स ठीक है सो बी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर एंड नेक्स्ट वीक वी पीपल आर गोइंग टू मीट इन अ वीडियो एंड आई try ट्राई टू regular ऑन माई चैनल सो दैट यू नो एट मैं दस दिन में तो कम से कम एक वीडियो तो अपलोड करो अपने चैनल पे, वट एवर यू नो थिंग्स विच आर बिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो गया कुछ हो गया जो मैं वहां पे आपके साथ कवर कर पाऊं ठीक है तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ बाय